हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल आईके फ्री प्रोग्रामर। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बेसिक नॉलेज देने वाला हूं। तो मेरी इस सीरीज में फटाफट जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि अब आप सारी बेसिक नॉलेज कलेक्ट करके अपने एंड्रॉयड फ़ोन के लिए खुद का एप्लीकेशन बना पाओगे। तो मेरी इस सीरीज़ में जुड़ो और सारी बेसिक नॉलेज ले लो, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में मैं आप लोगों को करना बताऊंगा कि प्रैक्टिकली कि कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ करेंगे, चलाएंगे और रन कराएंगे वो सारी चीज़ें, बट मैं बेसिक नॉलेज उस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। तो मेरी इस पूरे सीरीज़ को फॉलो करो, आपको खुद का एक एप्लीकेशन लास्ट में बनाना आ जाएगा। तो मैं फटाफट स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ किया और क्या है ये। तो बेसिक नॉलेज में यानी कि कीवी का पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि फ्लोट लेआउट क्या होता है। ठीक है, फ्लोट लेआउट का यूज़ मैंने इस वीडियो में बताया और दो तीन चीज़ें और लगा के यूज़ किया, जैसे कि लेबल को यूज़ किया है मैंने, इसमें बटन का यूज़ किया है। तो फटाफट बताते हैं कि इसमें फटाफट आप लोगों को करना क्या है। कीवी ऐप को कीवी लैंग्वेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना है, ये मॉड्यूल है, यहाँ पर इंपोर्ट करना है आपको, लेबल इंपोर्ट करना है, फ्लोट लेआउट को इंपोर्ट करना है, यहाँ पर एक क्लास बनानी है लेआउट डॉट ऐप की, और फिर फंक्शन बनाना है बिल्ड सेल्फ। अब ये सारी चीज़ें क्यों करना है, लेबल यहाँ पर लेआउट ही क्यों, कोई और भी नाम दे सकते हो, बट आप यहाँ पर जो फाइल का नाम देना, ठीक है, जो भी फाइल का यहाँ नाम दोगे आप, उसी फाइल के नाम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नाम दें। इससे क्या करेगा, उस फाइल को ये कैच करेगा और उसके अंदर जो भी मेथड लिखा हुआ वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। ये चीज़ हो रही है, नहीं हो रही है, इसका एरर प्रॉब्लम क्या है, ये सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। तो फटाफट बताते हैं कि ये पहले main.py कैसे फाइल को आप बनाओगे। ये यहाँ पर जाना आपको, ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद क्लिक कीजिएगा, इसके बाद आप न्यू पर जाइएगा और यहाँ पर फटाफट पाइथन फाइल, अब यहाँ पर कुछ भी रख दीजिएगा, हमने main4.py, तो .py लिखने की जरूरत नहीं, इंटर किया और सॉरी पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, तो और 5 कर लेते हैं, 5 बन जाएगा। तो आप इस तरह बना लेना, चलो आपको एरर शो करा दिया, मैं दिख गया तो मैं कुछ और लिख देता हूँ। ठीक है, ikram.py एक नई फाइल क्रिएट हो गई ikram.py की, तो अब हम ikram.py की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से फटाफट इसको डिलीट कर लेते हैं, main.py रखते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो मैं इसे डिलीट कर दिया। अब आपको यहाँ पर layout.kiwi नाम की फाइल कैसे बनाओगे, तो फिर फटाफट वहाँ जाना, क्लिक करना और आपको क्या करना है, फाइल पर आना है। ठीक है, फाइल पर आकर फाइल क्लिक करना है, यहाँ नाम देना है, मैंने लेआउट रखा है, आप कोई भी नाम दे देना जो भी, और .kiwi लिख देना कीवी, और इसके बाद इंटर क्लिक करना आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे इसका काम नहीं, ये फाइल तैयार हो जाएगी, आपकी फाइल बन जाएगी, उसके अंदर जो भी हम कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो वो आपका, पहले फटाफट इसे डिलीट कर लेते हैं, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ओके, डन। तो अब क्या करेंगे हम, पहले रन करा के देख लेते हैं और इस लेआउट का सिस्टम देख लेते हैं कि इस फाइल का नाम जो है वो यही क्यों रखे, अगर ये नहीं रखते हैं तो क्या होता है। तो पहले तो ये पूरा परफेक्ट है, तो जैसे ही आप रन करोगे तो लेआउट का कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको दिखाएगा। लेआउट, फ्लोट लेआउट क्या है उसकी थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पर दे देता हूँ कि फ्लोट लेआउट से ये हमारा बटन का साइज आपकी सेम एज इट इज, मतलब वो जिस कॉन्सेप्ट में, अगर एंड्रॉयड फ़ोन में जाए तो एंड्रॉयड फ़ोन के डिस्प्ले के अकॉर्डिंग किसी की साइज बड़ा होता है, किसी का साइज छोटा होता है, अगर ये टैबलेट में जाए एप्लीकेशन टैबलेट के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर ले, या फिर मतलब सिस्टम में आप यूज़ करो तो सिस्टम के अरेंज में आ जाए, इसीलिए फ्लोट लेआउट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात आप क्लियर हो गई। अब फ्लोट लेआउट का यूज़ कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें अभी बताने वाला हूँ। तो अभी ये चीज़ें आपको रन करके दिखा दिया, अगर मान लो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ और ले लेते हैं, हम मान लें लॉग नाम का क्लास बना लेते हैं और उस लॉग नाम के क्लास को हम क्या करते हैं यहाँ पर रन करा देते हैं। ठीक है, लॉग नाम के क्लास को हम, एक सेकेंड, लॉग नाम के क्लास को फटाफट रन करा लेते हैं। तो रन कराएंगे तो देखोगे आप क्या होगा आपके सामने, तो कुछ इस तरह का ब्लैंक आ गया, यानी कि उसने कीवी नाम की फाइल को, जो कीवी डॉट कीवी फाइल है, इसको कैप्च नहीं, मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ये है कहाँ इसको मालूम ही नहीं, तो उसके अंदर की कोई भी चीज़ें इसने दिखाया ही नहीं। ओके, तो उसको दिखाने के लिए हमें जो भी फाइल का नाम लीजिएगा वो यहाँ पर क्लास बना लीजिएगा। ठीक है, बड़ा कंट्रोल जेड कर लेते हैं, ये हमारा फिर से आ गया।
और मैं अगर फिर से रन करा दूँ इसे तो फिर से रन हो जाना चाहिए। तो रन हो गया आपके सामने। अब इसके कॉन्सेप्ट को कैसे, उसका साइज़ और एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ। तो कीवी फाइल में आपको ये बटन का साइज़, ठीक है, इसके अंदर लेबल जो भी बड़ा छोटा करना है ये आ जाएगा। ये बटन को आपको कहाँ रखना है, आपको यहीं रखना है या बीच में लाना है, किधर करना है, ये सारी चीज़ें। फिर इसका साइज़ जो आप देख रहे हो, हाय फ्रेंड्स हाउ आर यू, ये जो लिखा हुआ है, तो इसका साइज छोटा बड़ा कैसे करें, ये लेबल है, इस लेबल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँगा और बटन के सारे अरेंजमेंट सही कर रहे हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम कीवी लैंग्वेज में आते हैं। और ये हमारा कीवी लैंग्वेज है जहाँ पर हमने, ठीक है, टैग के अंदर बटन लिखा है। इसमें ज़्यादा नहीं, ये HTML CSS की तरह काम करता है कीवी लैंग्वेज भी, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा टैग की यूज़ नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर एक बटन को टैग बटन बनाना था मुझे, ये पूरा बटन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, तो मैंने टैग बनाया, एक बटन लिखा, उसके अंदर आ गया, फॉन्ट साइज दिया 30 दिया और साइज यहाँ पर हिंट दे दिया, यहाँ पर 0.3 0.2। अब ये आप चेंज करके देख लेना, ठीक है। कलर यहाँ पर RGB कलर सिस्टम दिया। अब RGB कलर सिस्टम, ये सारी चीज़ें मैं अभी बता देता हूँ। तो फटाफट हम इसका साइज जो था हमारे बटन का, तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी करते हैं तो ये सारे बटन का साइज चेंज करेगा। देखिएगा, जैसे 40 करेंगे तो, या मान लीजिए हम कम करके दिखा देते हैं क्योंकि आप बड़ा तो समझ में ना आया सर। तो ये देखिए, सबसे सारे बटनों पे छोटे छोटे हो गए, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो हमने 30 साइज दिया था। अब यहाँ पर कोई भी साइज देंगे तो ये पूरे बटन को कैप्चर करेगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्लोट लेआउट। अब ये फ्लोट लेआउट के अंदर आ गए तो सारी चीज़ें अब इसके अकॉर्डिंग काम करेगी। तो इसके अंदर बटन बनाया, ये फ्लोट लेआउट कहाँ यूज़ किया, ये main.py में यहाँ पर फ्लोट लेआउट को यहाँ पर कॉल करा है, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है। अब ये बटन के अंदर टेक्स्ट बटन बनाया है, ठीक है। अब पोस्ट हिंट का क्या मतलब होता है, ग्रीड, अब पाइथन में पढ़ेंगे ग्रीड, यानी प्लेस करते थे एक्स वाई वैल्यू देते थे, एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू वो, तो वो सारी चीज़ें अरेंजमेंट होती थी। तो यहाँ पे भी वैसे ही कर सकते हैं। मैंने यहाँ लेफ्ट 0 और टॉप 1 दिया है, तो लेफ्ट 0 1 टॉप पे देखिए बटन आ रहा है, बटन नाम का लेफ्ट पे आपको दिखाई देगा, लेफ्ट पे देखो यहाँ पर दिखा रहा है बटन, और जो कि क्लिक करने पे आ रहा है बटन है। और इसको हम चाहते हैं नीचे या थोड़ा साइड में लाना, तो ये कैसे ला सकते हैं, वो चीज़ें हमारे यहाँ पर पोजिंग में दिखाई देगी। तो यहाँ से हम एक्स वैल्यू बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक्स यहाँ पर 0 अगर हम 0.01 दे दें तो देखते हैं क्या होता है हमारा, किधर कैसे कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ 0.01 ये थोड़ा सा मैं हटा, मतलब अगर इस तरह थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं आप तो यहाँ से 0 हटा दीजिए और कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खुद करके देख लेना, ये देखो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पर टॉप किया है तो डाउन कर सकते हो आप, ठीक है, या वाई वैल्यू दे सकते हो, वाई आप लिख लिया, वाई की वैल्यू यहाँ पर दे दी मैंने 0.01 दे दें अगर, तो क्या होता है 0.01, है ना, 0.01 ऐसे देख सकते हैं आप, देख लेना, ठीक है। ये देखो फटाफट नीचे आ गया, इसको ऊपर नीचे आप एडजस्ट करते रहना अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 दे देते हैं, 11 दे देते तो ये गायब ही हो जाएगा, जहाँ तक नहीं गायब नहीं होना चाहिए। फिलहाल देखते हैं कहाँ पर आता है, ये यहाँ पर आ गया। तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो अरेंज, ठीक है। मुझे बताना था, मैंने आपको नॉलेज दे दिया, मैं फटाफट फिर से वैसे ही कर लेता हूँ। लेफ्ट में है, ठीक है, इसका साइज 30 है। फिर ये सारी बटन वैसे ही है, बस टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट के अंदर जो भी आप वैल्यू दोगे वो सामने आ जाएगी। तो प्रोग्रामिंग यहाँ पर प्रोग्रामर दिया है, प्रोग्रामर आई के फ्री दिया है, वो सारे बटन मैंने कॉपी पेस्ट किया है, आप भी कर लेना, और भी ज़्यादा बटन बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आओगे आप तो लेवल, एक लेवल का यूज़ किया है, जहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको इंपोर्ट करा के दिखाया था लेबल, तो उस लेबल का यूज़ हमने यहाँ पर किया। लेबल के अंदर साइज 50 दिया है, उसका साइज हम कम कर सकते हो, मान लो 10 कर देंगे तो देखने को आपको मिल सकता है कुछ इस तरह का। तो यहाँ पर 10 छोटा सा आ गया आपके सामने, देख पा रहे हो आप। तो इसे बड़ा करने के लिए 50, 30, 40 जो भी रख सकते हो, हमने 30 दे दिया है। उसके बाद टेक्स्ट जो टेक्स्ट हमें लिखना है उसके अंदर दिखाना है लेबल के अंदर, वो सारी चीज़ें दे सकते हो यहाँ पर। कलर या RGB कलर कैसा होता है, मान लो यहाँ पर हम कलर उसका चेंज करना चाहते हैं, तो अब कलर यहाँ पर 1 भी दे देते हैं और ये रन कराते हैं तो क्या होगा। ये RGB कलर यानी रेड ग्रीन ब्लू, देखिए वाइट आ गया, वाइट कलर हो गया, सारे कलर सारे नंबर पर, यानी कि रेड की भी वैल्यू 1, ग्रीन की वैल्यू 1 और ब्लू की वैल्यू 1, और ए यानी कि ये ट्रांसपेरेंट होता है जिसकी वैल्यू 1 रहती है,
अगर ये इतना दे देते हैं तो हमारा वाइट हो जाता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि कोई और कलर दे दें, तो यहाँ पर जीरो कर लो, या फिर आप W3 स्कूल पे जा सकते हो, वहाँ पर RGB कलर खुद का एक बढ़िया सा डिजाइन कलर बना सकते हो और वो कलर आप अपने सामने ला सकते हो। तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, RGB कलर सारे बटनों पे कलर मैंने चेंज किया, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। पॉज इंडिया आप समझ रहे होंगे, इसका साइज मतलब सॉरी इसका लेबल आगे पीछे करने के लिए हमने 1.0 दिया है, सेंटर में आया, सारी चीज़ें आप आगे पीछे कर लेना, सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। और हाँ, बस इतना ही मेरे को बताना था, और हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप पाइथन और कीवी को अच्छे से नॉलेज लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी का होने वाला है। और पाइथन और कीवी के मदद से जो एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे वो एप्लीकेशन आप आईफोन में भी चला सकते हैं, ठीक है, लिनक्स पे भी यूज़ हो सकता है, विंडो पे भी यूज़ हो सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एक ही कोडिंग सारे जगह पर यूज़ हो जाएगा, ये इसकी खासियत है। और इसे MIT यूनिवर्सिटी ने लाइसेंस दिया है, तो काफ़ी यूनिक है ये, इस पर बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं, बहुत टफ, बहुत यूनिक, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आपको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर आप प्रोग्रामिंग में एंट्री करना चाहते हो तो काफ़ी यूनिक होने वाला हूँ, तो आप मेरी सीरीज़ में बने रहो, बेसिक कॉन्सेप्ट मेरी इस सीरीज़ से तो बिल्कुल ले लो, आप परफेक्टली मिलेगा। और साथ ही साथ में मैं हिंदी में बना रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि ज़्यादातर के सारी इंग्लिश में ही वीडियो है, वो इंडियन स्टूडेंट को ज़्यादातर चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो मैंने कोशिश की है। और मैं अगर कहीं पर गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट करो कि हाँ सर ये चीज़ें प्रॉब्लम है और आप सही से नहीं बता पा रहे हो, इसे और अच्छी तरह बताओ, तो मैं बिल्कुल बताऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आपसे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो भी अच्छा कमेंट करो या बुरा कमेंट करो, लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन कुछ तो करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ में अपने दोस्तों को भी बताओ कि वो भी सब्सक्राइब कर लो। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा सा रंग लाओ, देखूं मैं भी, हाँ थोड़ा सा मुझे भी लगे कि हाँ मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो मुझे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनानी चाहिए और मेहनत करना चाहिए। ओके, तो मुझे आशा है कि आप लोग ऐसा करोगे और सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहोगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।